देखो, अच्छे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे एक एलिमेंट हमने मान लिया, इसकी मैग्नीट्यूड डीवी हो गई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा कैसे हुआ, कैसे हुआ, किसी को आइडिया नहीं है? चलो अच्छे हम बताते हैं। ये देखो, डॉटेड लाइन में अलग से ड्रॉ करता हूँ, और ये इसको देखो अच्छे, ये ड्रॉ कर दिया हमने। तो हमने आपको कहा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा। तो नाम दे दो बच्चों इसको, ए ओ बी सी डी। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी 90 डिग्री होगा। तो बच्चा बताएगा क्यों? सर वो वेक्टर की वजह से ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है सर, ठीक है? सीधा सीधा। ए ओ बी और बी ओ सी दिख रहा है बच्चों? बी ओ सी यस सर। अगर नहीं दिख रहा तो हमको नाम ही ले लेते हैं। रुक जाओ, इसको नाम नाम दे दो, ए ओ बी और बी ओ सी नाम भी लेके। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो नाम ले लेते हैं सीधे सीधे, जस्ट नाम। जैसे कैसे, एक्स वाई नाम ले लो। जैसे बीच वाला जो है एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया एक्स। तो थीटा प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और ऊपर वाले में भी कुछ परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है? ये दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर है। कैसे? ये तो हमने आपको बताया था अभी कि ये पोजीशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? ये पोजीशन वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर होगा, इनमें एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे, फिलहाल हम इसको थीटा नहीं मानते क्योंकि हमें इसको थीटा प्रूफ करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है? तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90। अब ना इसको इसको इक्वेट करा दो, थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये दोनों एंगल थीटा थीटा कैसे हुए? नो सर, पलट गया नो। तो ये एंगल थीटा है तो अच्छा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करते हैं, ये क्या होगा? ये होगा डी बी कॉस थीटा या साइन थीटा? बोलो भाई, इसके साइन थीटा। साइन थीटा बताओ क्यों? क्यों साइन थीटा, क्यों कॉस थीटा, क्यों नहीं? तो साथ वाला कॉस थीटा होता है। 11th में पढ़ा था। हाँ अच्छे, ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, रिजॉल्व कर दिया। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिए ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से लिए, ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से लिए। अब एक्चुअली क्या होता है, नीचे वाला एलिमेंट जो होगा, नीचे वाला एलिमेंट, ये नीचे वाला आइडियल जो एलिमेंट होगा, इसकी वजह से भी हमको लेना पड़ेगा फिर सेम एज इट इज। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर से पूरा, वो भी डी बी साइन थीटा ऐसे लेंगे, और उसका जो डी बी आएगा वो ऊपर नहीं आएगा, फिर उसका डी बी नीचे आएगा, ऐसे आएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट अपोजिट है, उसमें ये एलिमेंट आउटवर्ड आ रहा है। देखो जैसे कॉयल, हमने कॉयल ली, कोई अपने कॉयल ली ऐसे, तो फिर कॉयल ऐसे ली, आपको इसको 3D में नहीं दिखा के ऐसे कॉयल दिखा देते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है इस तरीके से। ये हमने कोई कॉयल ली, अगर ये ऊपर एलिमेंट इधर जा रहा है तो नीचे वाले एलिमेंट में इधर आ रहा है करंट, ऐसे करंट यूं फ्लो कर रहा है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या हुई? दोनों की अपोजिट हो गई, एक की आउटसाइड तो एक की इनसाइड हुई, तो फील्ड की डायरेक्शन भी दोनों की अपोजिट हो जाएगी। तो एक की फील्ड ऊपर तो एक की फील्ड नीचे, इसको भी रिजॉल्व करोगे, इसको भी रिजॉल्व करोगे तो यही आएगा, डी बी साइन थीटा और डी बी कॉस थीटा। और ये एंगल ले लोगे ऐसी, ये एंगल थीटा वीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो दो एलिमेंट हैं उनके कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट? कॉस कॉस कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे? कॉस कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ साइन साइन कंपोनेंट बचेंगे। ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अच्छे बोलो, बोलो भाई बोलो, किसी को डाउट? हेलो हेलो हेलो। नीचे डीबी क्यों लिखा? क्योंकि देखो, जो ऊपर वाले एलिमेंट में करंट
करंट एलिमेंट बाहर की तरफ लेंगे और नीचे वाले में करंट एलिमेंट अंदर की तरफ लेंगे। देखो ये कॉइल है, ये जो कॉइल है अगर इसका हम वैसा व्यू ना लें, एक ऐसी कॉइल ड्रॉ कर दी, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। अच्छे आप ऊपर वाले पॉइंट पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन लोगे तो इधर लोगे, और नीचे वाले पॉइंट में करंट एलिमेंट लोगे तो इधर लोगे। इन दोनों करंट एलिमेंट में ये अपोजिट हुए या नहीं हुए? अपोजिट हुए या नहीं हुए? यस सर। ऐसे ही जो ऊपर वाला करंट एलिमेंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, और नीचे वाला करंट एलिमेंट इनसाइड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो दोनों करंट एलिमेंट जो है, देखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे ली जाती है, सबसे पहले समझो। किसी भी कॉइल में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उसका टेंजेंट ले लेते हैं उस पॉइंट पे। जैसे ये यहाँ पे, यहाँ करंट एलिमेंट लेना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये दोनों ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पे करंट एलिमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं आया, अपोजिट में आए। तो अपोजिट में आने की वजह से उसकी फील्ड की डायरेक्शन भी अलग होगी। जब परपेंडिकुलर रूल लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो एक की नीचे की तरफ आएगी। समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो? समझ गए। तो वैसे 3D अच्छे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता रहूंगा, बताता रहूंगा 3D, क्योंकि चक्कर क्या है इसको समझना, वैसे बहुत सिंपल सा नहीं होता 3D फिगर। वैसे ही बोर्ड पे भी मैं आपको समझाऊंगा तो भी जान निकल जाती है मुझे उसको समझाने में, तो ये कट जाएगा। सिर्फ सिर्फ बच्चे का कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। अब एक्चुअल में क्या होता है, क्या सिर्फ दो एलिमेंट के कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं या फिर सारे एलिमेंट एक दूसरे के कॉस कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे? सारे एलिमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि कॉइल में हर एलिमेंट के अपोजिट कोई ना कोई एलिमेंट बैठा ही होता है, तो सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे का कॉस कंपोनेंट कैंसिल कर देते हैं और सब कॉस कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि सारे एलिमेंट एक दूसरे का कॉस 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 कैंसिल कर देते हैं। तो सिर्फ सिर्फ बचते कौन से एलिमेंट हैं? सिर्फ और सिर्फ बचते हैं साइन एलिमेंट्स बचते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट बचते हैं? साइन एलिमेंट बचते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉस कंपोनेंट की वजह से नहीं होती है, इज ओनली ड्यू टू नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू साइन कंपोनेंट्स। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ओनली इंटीग्रेशन ऑफ साइन कंपोनेंट्स, बिकॉज कॉस कंपोनेंट कैंसिल्स ईच अदर। ये समझे या नहीं समझे इस बात को? क्लैरिफाई हुई? यस सर। आगे देखें भाई, बोलो। चलो तो यहाँ पर डीबी की वैल्यू पुट करते हैं। हमने डीबी निकाला था ना, डीबी कहाँ निकाला था हमने? डीबी निकाला था यहाँ, ये डीबी निकाला है बच्चों, इसकी वैल्यू यूज करनी है, इसको यूज करना है। क्या है डीबी? म्यू नॉट आईडीएल बाय 4πr² + x² डीबी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई डीएल बाय 4πr² + x². अब यहाँ एक चीज और आ गई, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकाले? साइन थीटा के लिए ट्राइंगल यूज करो, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल अच्छा सा दिख रहा है? ये देखो, अच्छे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक बार अच्छे से। ये ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है। इसमें हमने क्या क्या एंगल लिए? ये एंगल थीटा लिया था, ये रेडियस था, ये एक्स था। साइन थीटा क्या हुआ बच्चे, बोलो? मैं चाहता है कि साइन थीटा क्या आएगा इसमें? छोटा आर बाय बड़ा आर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? कैपिटल आर। हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर। स्मॉल आर को हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट r² + x² लिख सकते हैं, लिखते पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया, अच्छे लिख सकते हैं इसको ऐसे, साइन थीटा को। यस सर। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिखूं मैं, कोई और कुछ और लिख सकता हूँ? और क्या लिखूं, ये लिख दूं? यस सर। अंडर रूट को हाफ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते। ठीक है, अच्छा। तो साइन थीटा हमने इस ट्राइंगल से निकाल लिया। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई। साइन थीटा क्या आया हमारे पास? r² + x² ½। तो पुट कर देते हैं इसको। म्यू नॉट आईडीएल 4πr² + x² ½
by r square plus x square की पावर हाफ। चलो इसको लो लो लेते जाते हैं। बाहर लो इंटीग्रेशन से बाहर लो कॉन्स्टेंट चीजें क्या आएगा, म्यूनट आई को कॉन्स्टेंट बाहर ले ले, yes, sir. 4 पाई को बाहर ले ले, yes, sir. आर को बाहर ले ले, yes, sir. और क्या आएगा, और इसको इसको बाहर ले, इसको इसका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर, बताओ अच्छे कैसे हुआ, सेम में से पावर ऐड हो जाएगी ना, 1 और हाफ इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर हाफ हो गई 3/2, सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डीएल रह गया, डीएल वही छोटे छोटे सारे एलिमेंट इंटीग्रेट कर दो, अगर कॉइल के सारे एलिमेंट इंटीग्रेट कर देंगे छोटे छोटे तो क्या आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, यस सर, तो ले लो 2 पाई आर, न्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर आया 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा, म्यूनट की जगह म्यूनट, आई की जगह आई, और दो दो आर है, ये आर और एक आर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई डाउट बच्चे किसी को, हेलो, नो सर, कोई डाउट किसी को, आ गया समझ में डेरिवेशन, काफी लंबा था ये डेरिवेशन, काफी लंबा डेरिवेशन है बच्चे, ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, काफी बड़ा है अच्छा डेरिवेशन, कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसमें काम आता है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ कॉइल। डाउट किसी को, बोलो भाई बोलो, अरे बोलो भाई, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों,